नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा मेरे कलेक्शन में मौजूद इंडियन करेंसी नोट्स और कॉइन्स के बारे में। आज के वीडियो से मैं उस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें मैं इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे कलेक्शन में इंडिया और बाहर के देशों के लगभग 400 यूनिक स्टैम्प्स हैं, जिनमें से 215 यूनिक स्टैम्प्स इंडिया के हैं, जिनके बारे में मैं अगले 10 से 11 वीडियोस में आपको बताऊंगा। मैंने इस वीडियो सीरीज़ को बनाने के लिए अपने सारे इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स को 16 कैटेगरीज में भाग किया है, जिनमें से आज के वीडियो में मैं 4 कैटेगरीज के पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये 4 कैटेगरीज हैं इंडियन नेशनल डे, इंडियन रेलवेज, इंडिया पोस्ट और मीडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। सबसे पहले देखते हैं इंडियन नेशनल डे को समर्पित कुछ स्टैम्प्स को। ये स्टैम्प स्वतंत्र भारत का सबसे पहला स्टैम्प है। ये डेढ़ आना का स्टैम्प 15 अगस्त 1947 यानी 15th August 1947 को इशू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के उपलक्ष में इस स्टैम्प के साथ में एक दूसरा स्टैम्प भी जारी किया गया था जिस पर तिरंगे की तस्वीर थी। ये 3.5 आना का स्टैम्प भी 15 अगस्त 1947 में जारी किया गया था। ये 4 आना का स्टैम्प 26 जनवरी 1950 में इशू किया गया था। ये स्टैम्प भारत के गणतंत्र होने के उपलक्ष में जारी किया गया था। मेरे कलेक्शन में इंडिया पोस्ट को समर्पित 2 तरह के स्टैम्प्स हैं, जिनमें से पहला स्टैम्प 20 सितंबर 1988 में इशू किया गया अर्ली DLO कैंसलेशन को दर्शाता है। DLO का फुल फॉर्म डेड लेटर ऑफिस होता है। DLO इंडिया पोस्ट के उस विभाग का नाम है जिसमें अनडिलीवर्ड लेटर्स कुछ महीनों तक सहेज कर रखा जाता है। जो लेटर्स अनडिलीवर्ड रह जाते हैं वो पोस्ट ऑफिस में 3 महीने तक रखा जाता है। उसके बाद उन लेटर्स को DLO कैंसलेशन के साथ में GPO भेज दिया जाता है, जहां पर वे अगले 18 महीने तक रखे जाते हैं और उस समय लेटर के भेजने वाले उस लेटर को क्लेम कर सकते हैं। लेटर के GPO में 18 महीने गुजर जाने के बाद और 12 महीने तक उस लेटर को डिस्ट्रॉय करने से पहले रखा जाता है। मेरे कलेक्शन में इंडिया पोस्ट को समर्पित दूसरा स्टैम्प एक मिनिएचर शीट है जिस पर 4 अलग अलग स्टैम्प्स थे। ये 4 स्टैम्पों का मिनिएचर शीट 4 अक्टूबर 2004 यानी 4 अक्टूबर 2004 को इशू किया गया था, इंडिया पोस्ट के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष पर। ये 4 स्टैम्प 5-5 रुपये के थे। इंडियन रेलवे को समर्पित मेरे पास 4 स्टैम्प्स हैं, जिनमें से ये पहला स्टैम्प 15th अप्रैल 1953 को इशू किया गया था। ये 2 आना का स्टैम्प था। इंडियन रेलवे को समर्पित अगला स्टैम्प नीलगिरी रेलवे को दर्शाता है। ये स्टैम्प 16 अप्रैल 1993 यानी 16th अप्रैल 1993 को इशू किया गया था और ये 8 रुपये का स्टैम्प था। इंडियन रेलवे को समर्पित मेरे कलेक्शन का तीसरा स्टैम्प इलेक्ट्रिक इंजन को दर्शाता हुआ ये 10 पैसे का स्टैम्प है। ये स्टैम्प 1 जुलाई 1966 यानी 1 जुलाई 1966 को इशू किया गया था। इंडियन रेलवे को समर्पित मेरे कलेक्शन में ये 4th स्टैम्प 20 पैसे का था। ये स्टैम्प 30 जून 1972 को इशू किया गया था। ये स्टैम्प इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज यानी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ को समर्पित था। इंडियन मीडिया को समर्पित मेरे पास एक स्टैम्प है, जो कि ये 15 रुपये का स्टैम्प हिंदुस्तान टाइम्स को समर्पित था और ये स्टैम्प 16 दिसंबर 1999 यानी 16 दिसंबर 1999 को इशू किया गया था। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।